हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पूनम्स किचन में। आज हम दो कच्चे आलू और एक कप गुथे हुए गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाएंगे। आपको इसमें कचौड़ी, पकौड़ी और समोसा तीनों का टेस्ट मिल जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसका छिलका निकाल के पानी में रखा है। अभी हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसमें पानी डाल के तीन बार अच्छे से धोएंगे और आलू का पूरा स्टार्च निकाल देंगे। ये पानी निकाल लेंगे और इसे दो बार धोएंगे। ये पानी में से निचोड़ के निकाल देंगे और दूसरे बाउल में पानी लिया है उसमें डाल देंगे। इस तरह से और इसे एक बार धोएंगे। आलू को पानी में से अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। आलू में पानी नहीं रहना चाहिए, चाहे तो आप इसे नैपकिन से पोंछ के भी ले सकते हैं। एक छोटी साइज की गाजर को कद्दूकस किया है, ये 2 टेबलस्पून जितनी है। एक मीडियम साइज का प्याज को लंबा और पतली स्लाइस में कट करके लिया है। इसे इस तरह से अलग कर देंगे और आलू में डाल देंगे। 2 हरी मिर्च बारीक काट के ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा को कद्दूकस करके लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक इसमें लास्ट में डालेंगे। अब इसे नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। ये मेरे पास रात का बचा हुआ 1 कप गेहूं का गुथा हुआ आटा है, इसके हम 4 लोई बनाएंगे। 1 ही साइज की 4 लोई बनाएंगे। इसे सूखे आटे में लपेटेंगे, इसकी रोटी बेल लेंगे। इस तरह से थोड़ी मीडियम मोटी 4 रोटी बेल के रेडी करेंगे। स्टफिंग में 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। नमक और चाट मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। रोटी के ऊपर थोड़ा टोमेटो केचप लगाएंगे। इसके ऊपर आप सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं या रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं। ऊपर ये स्टफिंग रखेंगे, किनारे को थोड़ा छोड़ देंगे। ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है, इस तरह से चिपका देंगे। इसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ, धनिया पुदीने की चटनी मैंने बनाई है। ऊपर स्टफिंग रखेंगे, तीसरी रोटी रखेंगे, टमेटो केचप लगाएंगे, ऊपर ये स्टफिंग रख देंगे, ऊपर ये चौथी रोटी रखेंगे और इस तरह से इसे चिपका देंगे। स्टील का इस तरह का एक स्ट्रेनर मैंने लिया है, इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसे धीरे से उठा के इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी में एक उबाल आ गया है। स्ट्रेनर ऊपर रख देंगे, ढक्कन लगा के तेज आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इसे 10 मिनट के लिए स्टीम किया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे, इसके बाद इसमें से निकालेंगे। बाउल में 1/4 कप मैदा लेंगे, इसके बदले में आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफेद तिल, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला घोल बनाएंगे। इस तरह का पतला घोल बना के रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। ये एकदम ठंडा हो गया है तो इसे हम इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से धीरे से निकाल देंगे, इसे कट कर लेंगे।
पिज्जा की तरह इसे कट करेंगे। इस तरह से इसे ट्रायंगल में कट किया है, इस तरह से ट्रायंगल पीस कट किया है। इसे हम बैटर में डीप करेंगे, ऊपर इस तरह से बैटर डाल देंगे और धीरे से चम्मच से उठा के इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद इसे धीरे से फ्लिप करेंगे। दोनों साइड से उलट पलट के लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। ये हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। इस तरह से सभी फ्राई कर लेंगे। कच्चा आलू और आटे का नाश्ता बनके रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसे टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।